अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं इस हेयर बैंड की वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी कि ये हेयर बैंड मैंने किस तरह बनाया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस हेयर बैंड को बनाने के लिए मैंने इस तरह से लंबी पट्टियाँ ली हैं और इसकी लंबाई तकरीबन 60 इंच है, 60 इंच। यहाँ से देखिए, इसे मैंने बीच में से इस तरह सिलाई करके तीन पट्टियों को आपस में जोड़ लिया, तो इतनी लंबी पट्टी हमारे पास आ गई है। और दो मैंने छोटे साइज के लिए हैं जो कि तकरीबन 28 इंच है। अब हम इस पट्टियों को इस तरह से फोल्ड करके तीनों को सिलाई कर देंगे। सबसे पहले जो लंबी पट्टी है उसको हमने इस तरह से सिलाई कर लिया है और बाकी जो हैं तो उसको भी हम इसी तरह से सिलाई कर लेंगे। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद इसे मैंने यहाँ से कट कर दिया और अब हम इसको सीधा करेंगे, सीधी साइड पलटेंगे। तो उसके लिए मैं सेफ्टी पिन का यूज़ कर रही हूँ। इसके ज़रिए हमने इसे किस तरह से सीधा करना है तो वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, इस तरह से आपने सेफ्टी पिन को इस तरह से यहाँ पे डालना है, इस तरह से, और इसको अंदर की साइड इस तरह लेके जाना है और बस इस तरह से आपने इसे दूसरी साइड निकाल लेना है। तो ये पट्टी हमारी सीधी हो जाएगी। तो अब हम इन पट्टियों को सीधा कर लेते हैं। तीनों पट्टियों की चौड़ाई मैंने बराबर ही ली है। दूसरी पट्टी को भी हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। अब ये मेरे पास यार्न है, जैसे हम शूज़ वगैरह बनाते हैं, बच्चों के स्वेटर वगैरह बुनते हैं, तो ये मैंने 10 धागे जो हैं इस तरह से लिए हैं, जो हमारी जितनी हमारी पट्टियों की लेंथ थी तो इसे मैंने उतना ही लंबा रखा है। अब इसको हमने इसके अंदर किस तरह से डालना है तो वो भी चलिए चेक कर लेते हैं। पहले हमने इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है ताकि आपस में जुड़ जाए। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद यहाँ से कट करेंगे और इसको भी हम सेफ्टी पिन की मदद से ही इसके अंदर जो है तो डालेंगे। ये देखें, इस तरह से आपने सेफ्टी पिन को इस तरह से लगा देना है, ऐसे, और फिर आपने इसके अंदर इसको ले जाके दूसरी साइड बाहर निकाल देना है। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा ऊपर से था वो मैंने कट कर लिया अब यहाँ से, ताकि डालने में आसानी रहे। इस तरह से हम इसको दूसरी साइड जो है निकाल लेंगे। बाकी की पट्टियाँ जो हैं वो भी हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। ये देखें, सारी पट्टियाँ हमने रेडी कर ली हैं, तीनों पट्टियाँ। अब हमने क्या करना है कि इन पट्टियों को इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रख देना है। जो छोटी पट्टियाँ होंगी उसको पहले आपने नीचे रख देना है, जो बड़ी लंबी पट्टी है उसको आपने इसके ऊपर रखना है इस तरह से, और सेफ्टी पिन की मदद से आपने इसको इस तरह से आपस में जोड़ लेना है, इस तरह से। तीनों को एक साथ आपने जोड़ना है और यहाँ पे हम इसको यहाँ मशीन में लगा देंगे और सुई को नीचे कर लेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि सेफ्टी पिन के ऊपर सुई ना आए वरना टूट जाएगी। ये हमने सिर्फ यहाँ पे अटकाने के लिए किया है ताकि हमें हेयर बैंड बनाने में आसानी रहे। देखिए, अब लंबी पट्टी जो है उसको मैंने ऊपर की तरफ फोल्ड किया है। एक बार दोबारा से मैं आपको दिखा देती हूँ। ये दो छोटी पट्टियाँ हैं, ये लंबी है, ठीक है। इसको मैंने जो मेरी बाएं साइड साइड की पट्टी है उसके नीचे से गुजार के बीच में से लेके आई हूँ। अभी सीधी साइड जो पट्टी है, जो दाएं साइड है, उसके नीचे से गुजार के बीच में से ऊपर लेके आई हूँ। इस तरह से आपने एक के नीचे से गुजारना है, बीच में से निकाल लेना है, फिर दूसरे के ऊपर से इस तरह गुजार के बीच में से आपने निकालते जाना है इस तरह से। और ये जो हेयर बैंड का जो ऊपर वाला जो पार्ट है वो हमारा रेडी हो जाएगा, जो सामने की साइड आएगा, इस तरह से। देखें, बहुत ही सिंपल तरीका है ये, बस आपको समझने की ज़रूरत है। एक बार आप समझ जाएंगे तो बहुत आसानी से कर पाएंगे इसे। अब इसको हमने इस तरह से सारा मैं करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें, पूरा मैंने इस तरह से कर लिया है। यहाँ से
हमने सुई धागा लिया है और सुई धागे की मदद से हमने इसे अब पक्का कर देना है दोनों साइड से। अब जो एक्स्ट्रा था उसको मैंने कट कर दिया है, दूसरी साइड से भी जो पट्टी एक्स्ट्रा हमारे पास रह गई थी उसको मैंने कट कर दिया है। अब ये एक और पट्टी मैंने ली है जिसके अंदर हम इलास्टिक डालेंगे। अच्छा, तो इसके ऊपर भी अब हमने इस तरह से सिलाई लगा देनी है। इसको सिलाई करने के बाद हम इसको इसी तरह सेफ्टी पिन की मदद से ही दूसरी साइड पलटेंगे, सीधा कर लेंगे इस तरह से। और अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। ये छोटा सा इलास्टिक मैंने कट किया था, आप अपने बेबी के हेड के मुताबिक इलास्टिक जो है उसकी कटिंग करें। और इसको भी सेफ्टी पिन की मदद से हम अंदर जो है इस तरह डाल लेंगे। इस इलास्टिक को इस कपड़े के अंदर डालने के बाद अब हम दोनों साइड से इसे पक्का कर देंगे मशीन की मदद से। यहाँ इस तरह से दो तीन बार आपने सिलाई लगानी है इस तरह से, ताकि ये बिल्कुल पक्का हो जाए। दूसरी साइड से भी आपने इसी तरह ही करना है, इसको अच्छे से पक्का कर लेना है। इसके बाद अब हमने इसको इसके ऊपर इस तरह से रख के सुई धागे की मदद से इसको पक्का कर लेना है। दूसरी साइड अब हम इसी तरह से इसको अटैच करेंगे। यहाँ से देखें इस तरह से हमने लगा लिया है। अब हम जो जहाँ से हमने हमारा जोड़ आया था वहाँ पे ये आप देख सकते हैं, एक साइड पे मैंने पट्टी लगा ली है ताकि फिनिशिंग इसकी अच्छे से आए। तो दूसरे साइड भी अब हम जो पट्टी है छोटी सी मैंने कट की है, इसको हम ग्लू की मदद से इस तरह से इसके ऊपर लगा लेंगे। ये देखें इस तरह से आपने सीधे साइड जो हेयर बैंड का होगा लगाएंगे, दूसरी साइड आपने इस तरह से ग्लू गन की मदद से आपने इसे लगाना है। आपके पास कोई भी ग्लू हो आप उससे लगा लें, नहीं तो आप सुई धागे से भी छोटे छोटे टांके लेके इस कपड़े को लगा सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे भी मैं दूसरे साइड से भी पट्टी को फोल्ड कर लूँगी इसके ऊपर इस तरह से, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको मैं कट कर दूँगी। तो ये देख सकते हैं हेयर बैंड हमारा रेडी हो गया है और बहुत ही प्यारा लग रहा है ये। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें वीडियो को, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।